दोस्तों मैं हूँ वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में और आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी मशीन जिसका नाम रोस्टर है। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक फैक्ट्री पे पहुंचे हुए हैं। आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा, हो सकता है कि वो सिर्फ ट्रेडर हो, यानी कि इनसे मशीन खरीद रहे हो और आप वो अपने एरिया में बेच रहे हो। तो ट्रेडर से बचने की वजह से आज हम लोग डायरेक्ट फैक्ट्री में आए हुए हैं, ताकि आप डायरेक्ट फैक्ट्री से खरीदते हैं तो आपका 5 से 10 हजार 20 हजार रुपए तक आपको एक मशीन पे बचत हो सकती है। यहाँ पे आपको पूरा देख पा रहे हैं, ये पूरा एक बड़ी सी फैक्ट्री है जिसमें रोस्टर मशीन लगभग 6 फीट से 14 से 16 फीट तक के बनाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिहार के लिए बनकर तैयार हो रहा है। दूसरा वहाँ पे एक छोटी मशीन है, वो भी बिहार के लिए बन रहा है। यानी कि मुड़ी मशीन का बिहार में इतना डिमांड है, यानी कि रोस्टर मशीन का बिहार में इतना ज्यादा डिमांड है कि लोग वेस्ट बंगाल से खरीद कर अपने एरिया में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। वो भी लगभग यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी मशीन है जो कटिहार जाएगा, बिहारी कटिहार। ओके सर, इसके बारे में बताएं कितना इंच होगा और कितना प्रोडक्शन होगा। ये 14.5 फीट का रिंग रोस्टर है, रिंग वाला डबल चैम्बर सिस्टम है। डबल चैम्बर मतलब मैं आपको समझा दे रहा हूँ, दोनों साइड दो दो हॉपर रहेगा। ओके ओके, और अंदर में और एक्स्ट्रा ड्रम रहेगा। इसका काम है पहले इस हॉपर से माल दीजिए, पहले उधर जाएगा, रिटर्न होकर भूल के इधर निकलेगा, मतलब जिधर से डालेंगे उधर ही निकलेगा। 14 फीट का रोस्टर मतलब 28 फीट का, एक घंटे में इसका निकालने का कम से कम 700 से 800 किलो एक घंटे, यानी 7 से 8 क्विंटल, यानी कि 700 किलो। अगर 1 किलो पे 5 रुपए भी अगर आपको बचता है मुढ़ी बनाने में, अगर 1 रुपए पे 5 रुपए भी, अगर होलसेल बहुत बड़े होलसेलर बनते हैं 2 रुपए भी काम करते हैं, तो घंटे में आप 1400 से 1500 रुपया घंटे में कमाएंगे। समझ लीजिए आप, घंटे में अगर आप बहुत बड़े होलसेलर बनेंगे तब जाके 2 रुपए मार्जिन पे। इसका फैसिलिटी मैं बता दे रहा हूँ, दोनों साइड दो होपर रहता है। तो आपको जो अभी वीडियो मैंने करके दिखाए वो एक होपर था, बिल्कुल सिंगल होपर वाला हमने वीडियो जो बनाया था, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सिंगल ऊपर में उधर चावल दीजिए, इधर निकल जाता है। इसका काम भी वही है, उधर भी ऊपर रहेगा, इधर उधर चावल दीजिए, इधर निकल जाएगा। लेकिन इधर और एक्स्ट्रा ऊपर है इसका, इधर चना दीजिए, चना पहले गर्म होते होके उधर जाएगा, फिर रिटर्न होके इधर आएगा। बिहार में यूपी में मक्का होता है ना, मक्का से चूड़ा बनाता है। तो मक्का बहुत कच्चा चीज है, इसको हार्ड करने के लिए, रोस्ट करने के लिए बहुत लंबा जगह चाहिए। इसीलिए देखिए 14 फीट का है, 14 फीट का लेकिन ये 28 फीट का काम करेगा। पहले यानी एक बार उधर जाएगा, फिर दोबारा वापस आएगा, यानी 28 फीट का काम करेगा। राइट। अब अगर जैसा कि इन्होंने बताया कि कटिहार साइड में, अगर हम बिहार की उस साइड की बात करें, गंगा उस पार में सबसे ज्यादा मक्का उधर ही पाया जाता है, और मक्का के लिए ही लोग खास करके इस तरह की मशीन यहां से बनवा कर ले रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो में पूरा वीडियो में अंत तक बने रहे, ताकि आपको मैं अच्छे से अच्छे जानकारी दे सकूं। वो जो बड़ा रोस्टर बना हुआ है वो 17.5 फीट का है, झारखंड गिरिडीह। झारखंड गिरिडीह में, झारखंड गिरिडीह साइड में भी मक्का बहुत होता है सर, वहीं से हमारा साइलेज वगैरह का काम होता था। सिंगल हॉपर वाला सिस्टम है, ये 17.5 फीट का है, ये 4 इंच सेफ्ट है, और हमारे पास जो सीट से बनता है सभी टाटा का सीट है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे, उससे पहले कहूंगा अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए ओनर से पूरी जानकारी देता हूं, ओनर के बारे में जानते हैं, पूरा एड्रेस जानते हैं और कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानते हैं। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते। सबसे पहले आप अपना नाम एड्रेस बता दें मुझे। जी मेरा नाम है उज्जवल सेनापति और मेरा कंपनी का नाम है माँ तारा एंटरप्राइजेस। ओके, ये होता है अपना वेस्ट बंगाल और पुरुलिया जिला, डिस्ट्रिक्ट मेरा पुरुलिया है। मेरा जगह का नाम है काशीपुर कुलतेड़ा। ओके, काशीपुर कुलतेड़ा। आप ये कितने दिन से इस बिजनेस को कर रहे हैं सर? मैं कम से कम 6 से 7 साल से ये बिजनेस कर रहा हूँ। ये वेल्डर पूरा काम आपको पूरा आता है? हाँ हाँ पूरा आता है। अभी आप पूरे वर्करों पे डिपेंड हैं? हमको खुद आता है पूरा टोटल काम, तभी तो आप करवा रहे हैं, तभी तो आप करवा रहे हैं। बिल्कुल, जो काम खुद मालिक को नहीं आता है वो वर्कर पे रहेगा तो नहीं कर पाएगा। वो तो सही बात है। आपको खुद आता है, आप पहले करते होंगे, अब आज खुद करवाते हैं। देखिए कोई भी बंदा धीरे धीरे जो जाता है वो आगे कुछ दिन तक टिका रहता है। बहरहाल उस पर बात नहीं करनी, बात तो ये करनी है कि रोस्टरों मशीन के बारे में बात करनी है। और आपने जैसा कि बोला कि आपके बिहार में सबसे ज्यादा डिमांड अगर कोई हो रहा है तो 16 से 17 इंच वाला या 14 इंच वाला, 17 फीट वाला, सॉरी 17 फीट वाले का डिमांड है। टोटल इंडिया में जितना बड़ा बड़ा रोस्टर जाता है, सबसे ज्यादा बड़ा रोस्टर जाता है बिहार में। वजह क्या है बिहार में रोस्टर सबसे बड़ा जाता है? बिहार में देखिए जगह भी, आदमी भी बहुत है, और ये उधर मुड़ी भी बहुत ज्यादा चलता है, इसीलिए पहले तो बहुत कम था मुड़ी, लेकिन अब धीरे धीरे मुड़ी का डिमांड वहाँ भी ज्यादा होने लगा है।
हमारी बिहार की बात करें तो लगभग 40 से 50 रुपए केजी मूढ़ी मिलता है सर वहाँ पे। ये रोस्टर से अगर हम बनाते हैं, बड़ा रोस्टर से जो 14 फीट है, आप बिहार में कोई जगह में कस्टमर का नंबर दे दूंगा, उसका एड्रेस दे दूंगा, वहाँ जाके वीडियो बना लेना। एकदम बहुत दिन से चला रहे हैं। कहाँ पे आपका बिहार? देखिए बिहार सुपौल, बिहार पूर्णिया, सीतामढ़ी, सहरसा, ओके, बिहार सभी जगह में हमारा रोस्टर जाता है दादा, सभी एरिया में। उस एरिया में रोस्टर आपका जा चुका है? पूर्णिया बहुत सभी पार्टी आता है, हम लोग स्टेशन से रिसीव करते हैं, रहने का जगह देते हैं, किसी को डेमो का दिखने का है तो डेमो दिखा देते हैं, उसको पसंद आ जाता है उसको हम एडवांस दे देते हैं, चला जाता है उसका, फिर हमको एड्रेस में डिलीवरी। सर जैसा कि आपने बोला कि ये झारखंड के गिरिडीह में जा रहा है, इतना बड़ा रोस्टर, सबसे बड़ा आपके इस कंपनी में आज का यही है जो 16-17 इंच का आपने बता रहा है, 17 फीट का रोस्टर जो जा रहा है, उन्होंने ऑर्डर दिया है आपको, तो कुछ पहले पैसा लेते होंगे सर, क्योंकि ये तो ऐसा चीज है जो वो खुद आया था, खुद पार्टी आया था, मेरा साथ बात हुआ था, फिर वो पहले 20,000 एडवांस देके दिया था, फिर बाद में वो ज्यादा पैसा भी दिए हैं। ये रोस्टर का क्या खर्च आ जाता है, कितने का मिलेगा कस्टमर को? कम से कम 2,00,000-2,20,000 तक मिल जाएगा। 2,20,000 तक। इसका सिस्टम क्या है, पूरा फुल्ली ऑटोमेटिक है, क्या सिस्टम है ये बड़े रोस्टर? ये तो रोस्टर हो गया, ये बहुत सारे सिस्टम से चलता है। मेन बात आदमी कौन से चीज से हीट करेगा, अगर लकड़ी के में करेगा तो अलग बात है, अगर भूसा से करेगा तो भूसा वाइब्रेटर लगाना पड़ेगा। ओके, भूसा वाइब्रेटर में क्या होता है, भूसा वाइब्रेटर से हीट होता है, मूड़ी होने के बाद दोनों चीज यूज होता है, एक तो होता है राउंड चन्ना, एक टाइप का होता है मूड़ी का वाइब्रेटर। मूड़ी का वाइब्रेटर देखिये, ये देखिये एक मूड़ी का वाइब्रेटर है, इसका काम है यहाँ मूड़ी गिरता है और ये नीचे ब्लोअर लगा हुआ रहता है, इसमें पाइप रहता है, इसमें फ्रेश होता है, फ्रेश मूड़ी यहाँ निकलता है, खराब मूड़ी यहाँ निकलता है, और फ्रेश मूड़ी पाइप से 10 फीट 20 फीट दूरी में गिरता है। ओके, उससे मतलब जो भी मतलब सामान जितना सारे लगेगा उसका हिसाब से रेट होगा। ओके, ये ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, ऐसा नहीं कि इसको लेना ही पड़ेगा, मतलब जो जितना वर्कर पे नहीं रहना चाहता है मशीन पे आना चाहता है, यानी फुल्ली ऑटोमेटिक चाहता है। देखिए मेरा पास एलिवेटर मिलता है, स्क्रू कन्वेयर मिलता है, चावल यहाँ से दीजिए एलिवेटर पे पूरा ऊपर उठ जाएगा, फिर स्क्रू कन्वेयर में गिरेगा, नमक पानी टंकी से नमक पानी गिरेगा, फिर धीरे धीरे चावल से नमक मिक्सिंग होगा, फिर होपर में गिर जाएगा, धीरे धीरे करके वो सूख जाएगा पानी रास्ते से और एकदम रेडी होकर निकलेगा, ये पूरा ऑटोमेटिक फुल प्लांट। जैसे कि अगर किसी को चाहिए तो हमारा फोन नंबर से कॉल कर सकते हैं, डिस्कस कर देंगे, फिर डिस्कस करने के बाद वो आ भी सकते हैं, आके भी लेना चाहे ले सकते हैं। हाँ, ज्यादा बढ़िया रहेगा इनके पास आकर मिलिए तो ज्यादा बेस्ट होगा। देखिए हम लोग चाहते हैं कि पार्टी आए, बिल्कुल विश्वास के लिए, मेन बात विश्वास के लिए, किसी के पास पैसा एडवांस जब खोजते हैं ना तो मेन विश्वास का काम, विश्वास। कोई इतना दूर से एडवांस देते हैं तो सोचते हैं कि पैसा तो दे दिए अगर मशीन नहीं आएगा, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं कि दादा आप मेरा यहाँ आइए, आप देखिए पहले, हम लोग देखिए बिजनेस वाला है, हम पैसा 5,000-10,000 लेके हमारा कुछ फायदा नहीं है, आप आइए ऑर्डर देके जाइए, वहाँ पहुंचने के बाद बाकी ट्रांसपोर्ट से जब लोड हो जाता है तो वहाँ पहुंचने के बाद हम पैसा लेते हैं बाकी का। ओके, हमने पिछला वीडियो में हमारे इधर से गाड़ी का भी ट्रांसपोर्टिंग का सिस्टम है, डायरेक्ट अगर कोई पर्सनल गाड़ी में लेके जाएगा वो भी सिस्टम है, टोटली इंडिया 14 रुपया पर किलोमीटर से गाड़ी से डायरेक्ट चला जाता है उसका घर। अच्छा, अगर आप यहाँ से डायरेक्ट गाड़ी से आपका बिहार से रक्सौल बॉर्डर होके नेपाल गया, जोगबनी बॉर्डर होके गया, जोगबनी बेतना रेल स्टेशन जो है ना, फॉरवेस्टगंज जोगबनी बॉर्डर होके पूरा नेपाल जाता है, नेपाल भी है, चला गया आपका मशीन नेपाल। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में 8 फीट वाला रोस्टर दिखाए थे, 8 फीट से छोटा कितना तक के आएगा? ये सबसे छोटा आता है 6.5 फीट, वो बाहर है आपको दिखाएंगे, देखिए ये जो बाहर साइड में है ना, हाँ, वो सबसे छोटा वाला सिल्वर कलर, हाँ सिल्वर कलर है उसका, साइड का है वो सेम है कलर अलग अलग कर, इसमें ये सब भी जब हम लोग देख पा रहे हैं, ये भी है, अभी ये सबसे छोटा वाला ये है 6.5 फीट वाला है, 6.5 फीट हाँ ये सबसे छोटा वाला है। ओके, और ये है ड्रम मॉडल और एक मॉडल है जो रिंग मॉडल, ये देखिए ये रिंग मॉडल रोस्टर है, अभी ये बन रहा है, इसके ऊपर भट्टी काम बनेगा एकदम, अभी ये कलर किया हुआ नहीं है, कलर में तो नहीं दिखा पाएंगे कि ये इस कौन सी शीट से बनाते हैं, आप खुद देख लीजिए, आपके लिए बना हुआ नहीं है, कस्टमर के लिए बना हुआ टाटा शीट से है कि नहीं है, टाटा स्ट्रॉन्ग सुपर लिखा हुआ है पूरा, इधर भी देखिए टाटा स्ट्रॉन्ग सुपर पूरा लिखा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि कोई चीटिंग नहीं किया जाता, नहीं नहीं, सिर्फ टाटा का ही प्रयोग करते हैं हर लोहे में। हाँ सर, ये रोस्टर जो बन रहा है ये कितने फीट का तैयार होगा?
साढ़े आठ फीट का होगा। ये ड्रम में नहीं है, ड्रम वाला सिस्टम नहीं है, रिंग में है। इसके ऊपर भट्टी बनेगा, दोनों साइड चैनल का स्टैंड रहेगा, पूरा फिटिंग हो जाएगा। बाकी ये महंगा वाला है, ये कम से कम 1,05,000 ड्रम वाला सिस्टम सस्ता वाला है। हाँ, ड्रम वाला सिस्टम सस्ता। दोनों में काम करने का मजा कुछ अलग है या एक ही है? मजा सिर्फ दोनों में डिफरेंस सिर्फ यही है कि इसमें सेफ आरपार है, इसमें पूरा साइलेंटली घूमता है, आवाज कम होगा। हाँ, कोई आवाज नहीं है। ब्लॉक बियरिंग के ऊपर घूमेगा तो कोई आवाज नहीं आएगा, साइलेंटली घूमता है। और ड्रम में सामने दोनों बियरिंग है, उसका थोड़ा टचिंग का आवाज होता है, यही डिफरेंस है। और रिंग वाला ड्रम से अच्छा रोस्टर, ड्रम से अच्छा रिंग। और रिंग वाला में वजन भी ज्यादा हो जाता है, वजन भी ज्यादा है, मोटा चादर से भी बनता है। ये बिहार में जितना से 99% रोस्टर बिहार में रिंग वाला ही जाता है। वजह ये क्योंकि उन लोगों को पता है रोस्टर कैसा कौन सा अच्छा है। ओके, मतलब वो लोग चाहते हैं कि बार बार लेने से बढ़िया है कि एक ही बार लो। यही बात है ना। सर, लेने का आपने पर ज्यादा है, लेकिन रिंग वाला ड्रम से ज्यादा अच्छा है। यानी कि रिंग वाला बढ़िया। सर, जैसा कि हमने शुरुआत के वीडियो में बोल दिया है कि बड़े रोस्टर से अगर हम 1 घंटा यूज करते हैं, तो आपने बताया कि 700 किलो। देखिए, 16 फीट का रोस्टर में 1 घंटा में आता है 1 टन। एक घंटे में एक टन। और ये 14.5 फीट का है, इसके 700 से 800 किलो होगा। 700 से 800 किलो का मतलब ये हो गया, वो बन रहा है 17.5 फीट का, वो जाएगा आपका यूपी। अच्छा, वो जो राउंड वाला है, अभी तो उसमें समझ में नहीं आ रहा है कि रोस्टर है क्या है। बहरहाल 17-18 फीट वाला जैसे आपने बताया, 1 घंटे में 700 से 800 किलो निकल जाएगा। यानी कि मिनिमम कितना कमा लेते हैं अगर हम बनाते हैं चलेगा उसका ऊपर। जितना बड़ा रोस्टर होगा उसका प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा, क्योंकि कम हीटिंग में काम होगा। मेन खर्चा है रोस्टर का इलेक्ट्रिक नहीं है, मेन खर्चा है हीटिंग। जितना कम हीट में वो काम कर पाएगा वही प्रॉफिट है ज्यादा। ये बड़ा रोस्टर में 1 kg में भुजने में लिए एक रुपया खर्चा में हो जाएगा। बड़ा रोस्टर में 1 kg भुजने में 1 रुपया हीटिंग के लिए। अब बाकी देखिए लेबर क्या हीटिंग के लिए, मतलब नहीं समझता। रोस्टर का जो स्क्रू वाला दिख रहा है ना, मेन तो काम है ये जो स्क्रू है ना, जो वहाँ से वहाँ तो स्क्रू है, ये राउंड वाला जो है राउंड इसको हीट करना पड़ता है। अच्छा, एक बार ये हीट हो जाता होगा तो इसका मेन काम है हीट करना। पहले 15-20 मिनट 30 मिनट जितना टाइम लगे इसको हीट करने के बाद फिर चावल छोड़ना पड़ता है। इसमें रेती और एक रेती तो अंदर दिया हुआ रहता है, ये जो जगह किया हुआ है वो रेती बाहर निकलने के जगह किया हुआ है। अच्छा, दिख रहा है ना। हाँ। नाट खोलने से मान लीजिए 1 महीने बाद आपको रेती खराब हो गया। हाँ। तो आप नाट खोलिए और रेती बाहर निकल जाएगा। और इसका मेन खास बात देखिए, ये स्क्रू है, यहाँ का डाया और पीछे का डाया धीरे धीरे करके कम होते जाएगा। अब देखिए, ये 600 डाया है इधर, तो ये है 650 डाया। जगह जो ड्राम का जो डाया है देखिए, धीरे धीरे पतला होते चला गया। यही है, कोई कोई कंपनी रोस्टर बनाता है पूरा सीधा, लेकिन ये स्क्रू बनाने में मेहनत रहता था। उधार का पूरा डाया ऐसी होता है ऊपर से नीचे, इसमें चावल ज्यादा खिलता है, ज्यादा चावल बाहर फेंकेगा। हाँ, ये ज्यादा खिलता है चावल, खिलता है मतलब ज्यादा अच्छा दिखेगा। हाँ, ज्यादा अच्छा आता है, ज्यादा अच्छा। ये अगर बड़ा रोस्टर 2 लाख का जो आपने बता रहे हैं, ये अगर कोई फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम से लगा ले तो पर डे का कितना कमा सकता है या मंथली कितना कमा सकता है अगर अच्छा बिजनेस चल गया तो? पर डे कम से कम 7-8 हजार कमा सकते हैं पास। आपके अंडर आप इतने 4-5 साल से काम कर रहे हैं और इतने बड़े बड़े जगहों पे दे रहे हैं, तो इनसे तो आपकी एक रिव्यू मिलता होगा ना कि सर कितना कमा रहे हैं? मिलता है, सभी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। कोई कोई ऐसा भी पार्टी लेके भी आता है, कोई कोई ऐसा भी है, पहले छोटा रोस्टर लिए थे वो बोले थे आपको दो। देखिए, आपका यूपी मिर्जापुर का एक तो पार्टी का बात बोल रहा हूँ, वो पहले 200 किलो वाला वो जो ड्रम मॉडल लिए थे, फिर 2 साल बाद वो 11 फीट का रिंग रोस्टर लेके गया था। एमपी में एक तो पार्टी पहले एक तो छोटा रोस्टर लिया था 100 किलो, फिर उसने लिया रिंग वाला 7 फीट वाला, फिर उसने लिया 13 फीट का रोस्टर। उसका वीडियो है हमारा पास, बिल्कुल वीडियो तो हमारा मेन सिस्टम। देखिए, रोस्टर बेचना एक बात है, उसको सही उसको एकदम फिटिंग कर देना अलग बात है। रोस्टर बेच के फिर हम उसको मिस्त्री भेजते हैं, मिस्त्री भेजने के बाद उसका घर में पूरा सेटिंग करके उसको ट्रेनिंग करके तब मिस्त्री आता है। जब तक ना पार्टी बोलेगा कि हम सेटिस्फाइड है, हम खुद अपना आप कर पाएंगे। सेटिस्फाइड होने के बाद आप अपना मिस्त्री को बुला लेते हैं। हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि दादा आप पूरा अच्छी तरह से कीजिए, फिर मिस्त्री वहां से छोड़िए, आप पूरा अच्छी तरह से सीख लेना। बहुत अच्छा। कोई ऐसे भी कुछ मिलते हैं जो रोस्टर खरीद लिए और अनसक्सेसफुल हुए? देखिए, वो होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, ऐसा नहीं कि जो काम करेगा वही सब सक्सेस होगा। मेन किसी आदमी क्या होता है, उसका
पूरा इसमें इन्वेस्टमेंट कम है ना, तो इसमें मेहनत ज्यादा है। कोई आदमी होता है सोचते है कि विदाउट मेहनत से ये काम चल जाएगा, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा दादा। माँ ऐसा सोचते हैं कि मैं मशीन खरीदूं, जैसे हमारी वीडियो को देख लिए, बाहर काम करने जाने से अपना कुछ इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस करना सबसे बड़ा बात है दादा। बिल्कुल बड़ी बात कही आपने, इसीलिए हमने अपना चैनल भी बना रखा है और हम चैनल पे बोलते भी हैं। हमारा बिहार पुरुलिया से है, पुरुलिया की बहुत आदमी बाहर काम करता है। बिल्कुल, और बिहार का भी बहुत आदमी तमिलनाडु और केरल बेंगलोर में काम करते हैं, तो ये बहुत कम इन्वेस्ट में आप खुद एक बार तो करके देखिए ना, लेकिन पीछे नहीं हटना होगा, मेहनत करते रहना, मेहनत करके देखिए पहले कि आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं फिर आप पहली पूरा भगवान का छोड़ के पूरा घर बार छोड़ के बाहर निकल जाना ये सही बात नहीं है। पहले करके देखना पड़ेगा कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, फिर अब जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल, बहुत अपनी बड़ी बात कही कि मेहनत, मशीन वीडियो देख के मंगवा तो लेते हैं लेकिन मेहनत करने से पीछे हटने की वजह से ही फेल होते होंगे। मैं समझता हूं कि ये मशीन ऐसा है कि अपने जीने भर के भी मार्केटिंग करेंगे, ऐसा नहीं कि वो उसको आने से लेना पड़ेगा। हम लोग पूरा डेमो इको यहाँ पे दिखाएंगे, उसको पूरा अपने हाथ से वो करेगा, उसको पता चलेगा हम कर पाएंगे, तब वो सेटिस्फाइड होकर मशीन लेना। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती समय दी, थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों लगभग सारी जानकारी इस फैक्ट्री के बारे में ली गई कि कौन सा चदरा यूज होता है और ये कैसे अपने यहाँ बनाते हैं और कैसे कस्टमर को सेटिस्फाइड कर भेजते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही बताना था। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।